हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कंपोनेंट्स से रिलेटेड। यानी कि जो भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आ रही है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर क्वेश्चन करते टाइम उस पर क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, जो है आपका पहला है सैलरी, दूसरा है कमीशन और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेसिकली हमें इन तीन टॉपिक के बारे में आज पढ़ना है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में ये देखते हैं कि क्वेश्चन करते टाइम हमें किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी की। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब भी हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो पहली बात इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये हमें पूरे साल की लेनी है। पूरे साल की इन द सेंस कि जैसे आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये दिया होता है कि सैलरी किसी पार्टनर को पे करी जा रही है और वो सिर्फ एक महीने की दी रहती है या फिर मंथली वाइज दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको सैलरी दी हुई है कि कोई पार्टनर ए है और उसको सैलरी दी जा रही है 200 पर मंथ, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो आपको ये नहीं लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि 200 पर मंथ एज इट इज जाके आपने लिख दिया। आपको पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे, ठीक है। तो आपको एक सौ ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 200 पर मंथ मिल रही है, आपको ईयर में कन्वर्ट करेगा कि पूरे साल में कितनी मिलेगी। तो हम इसको कर देंगे 200 × 12, तो ये आपका हो जाएगा 2400 रुपीस। तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस लिखेंगे वो कितना होना चाहिए, 2400 रुपीस। तो ये था बेसिकली सैलरी से रिलेटेड आपका, ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप पॉइंट लिख लें कि क्या जरूरत बातें हैं आपके इसके लिए। इट शुड बी ऑफ होल ईयर, मतलब पूरे साल की होनी चाहिए, ठीक है। और बाय चांस अगर नहीं होती तो सेकेंड पॉइंट आप लिख लें कि कन्वर्ट इट इंटू होल ईयर। अगर पूरे साल की नहीं रहती तो आपको उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कन्वर्जन बता दिया है, अगर आपकी मंथली दी हुई है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पूरा अमाउंट होल ईयर का आ जाएगा। तो ये बात आपको सैलरी के बारे में ध्यान रखनी है जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि ये एक तरीके का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है, चार्ज का मतलब एक तरीके की कंपलसरी पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरीके का क्या है, कंपलसरी पेमेंट है। मतलब ये हुआ इसका कि आपकी कंपनी को या प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, वो हम नहीं देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का बनेगा हम उनको दे देंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक पार्टनर था ए और एक पार्टनर था बी, इसमें से बी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, बी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट लगना था, मान लेते हैं 20%, कितना इंटरेस्ट लगना था, 20% इंटरेस्ट लगना था। तो जब हम इसका बी का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,00,000 का 20% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 1,00,000 × 20/100, तो आंसर आएगा 20,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ जब बी ने फर्म को लोन दिया 1,00,000 रुपए का, 20% इंटरेस्ट लगना था, तो फर्म जो है बी को कितना इंटरेस्ट देगी, 20,000 इंटरेस्ट देगी। अब ये एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है ना। अब कंपलसरी पेमेंट का मतलब ये होता है, देखिए, और यहाँ पे हम साथ में ये बात भी मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कंपनी को कुल 10,000 का,
प्रॉफिट कितने का हुआ है 10,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म कितना देगी 20,000। तो यहाँ पे जब फर्म को प्रॉफिट हुआ है टोटल 10,000 का और फर्म कितना पैसा दे रही है 20,000, तो यहाँ पे फर्म को लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने दो, हमें यही बात होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, जो भी चीज़ चार्ज होती है वो कंपलसरी पेमेंट होता है। हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखेंगे कि कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा 20,000 रुपए उठा के बी को दे देंगे। तो ये बात, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक तरीके का क्या होता है, चार्ज होता है, यानी कि कंपलसरी पेमेंट होता है। ये तो हो गई इसके रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट कि एक तरीके का चार्ज होता है, आपको ये पे करना रहता है। इससे रिलेटेड जो सेकेंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में परसेंटेज पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दिया है तो ठीक है, आप वो वाला रेट अप्लाई कर ले, ठीक है ना। रेट इफ गिवन अकॉर्डिंग टू डीड देन अप्लाई दैट रेट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका रेट गिवन है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, याद रखना पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर आपका रेट गिवन है तो आप वही रेट देंगे। जैसे मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 10% का, ये 20% का, ये 30% का, तो आप वो पर्टिकुलर 10% या 20% या 30% निकालेंगे और वो इंटरेस्ट पार्टनर को दे देंगे। बट जो नेक्स्ट कंडीशन आती है, जो इसका थर्ड पॉइंट है, अगर रेट नहीं हो तो क्या करें। अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं हो, सिर्फ इतना लिखा हो कि एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में, तो जिसने नहीं देखी है प्लीज़ आप उसे वॉच कर लें। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है तो आप उनको देंगे 6% इंटरेस्ट। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है देना ही देना है, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। पहली हो गई कि एक चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि कंपलसरी पेमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है, आपको ये वाला पैसा पे करना ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर रेट आपके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दी गई है क्वेश्चन में तो आप वो रेट अप्लाई करेंगे। और तीसरी कंडीशन ये है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर रेट कोई गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन का तो आप कितना देंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो ये बात हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो आपको क्वेश्चन करते वक्त ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कमीशन। देखिए कमीशन जो बेसिकली निकाला जाता है, ये कैलकुलेट करा जाता है, वो बेसिकली दो तरीके से निकाला जाता है। अब इसमें दो तरीके क्या होते हैं कमीशन के, देखते हैं। पहला जो कमीशन निकालने का तरीका होता है वो होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है, यहाँ पे बिफोर का मतलब सबको पता है पहले, पहले क्या चार्जिंग, यहाँ पे चार्जिंग का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना या फिर माइनस करना, सब्ट्रैक्ट और माइनस।
यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमीशन माइनस करने से पहले कमीशन निकालो। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए रहते हैं ऑलरेडी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक तरीके का फर्म के लिए एक्सपेंस है। सैलरी, ये भी एक तरीके का फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। ये सब, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक तरीके का फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो अब साथ में जैसे ये तीनों एक्सपेंस है, वैसे एक तरीके का एक्सपेंस जो है वो कमीशन भी एक तरीके से कंपनी के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी भी ये अमाउंट किसको, जो भी इंसान कमीशन के हकदार होता है, जिसको मिलने वाला होता है, उसको पे करती है। तो ये कमीशन भी क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। अब यहाँ से इन सब से रिलेट करते हैं हम इस वाले पार्ट को पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब होता है कि कमीशन माइनस करने से पहले आपको कमीशन की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का, या ये वाली कंडीशन समझा रहे हैं हम, आपका प्रॉफिट है कितने का, 1 लाख रुपीस का, और उसके बाद आपको सैलरी दी गई है 20,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 30,000, और कमीशन निकालने को बोला है 5%। कितना परसेंट कमीशन देना है, 5% देना है। तो देखिए, अगर आपको ये बोलता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इस केस में आप डायरेक्टली ये 5% आप इस प्रॉफिट का अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली आपका कमीशन निकल आएगी। देखिए कैसे, कमीशन हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं बिफोर चार्जिंग वाले केस में, तो यहाँ पे अपन करेंगे 1 लाख × 5/100। जैसे 5% कमीशन देना था, हमने किया 5/100, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000 रुपीज। तो ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में, मतलब ये हुआ कि कमीशन माइनस करने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसमें हमें क्या करना है, ये वाला परसेंट अप्लाई करना रहता है। मेन बात ध्यान रखना है ये कि कमीशन माइनस करने से पहले के प्रॉफिट में हमें कमीशन का परसेंट अप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये हो गया, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब होता है जो हमें कमीशन का रेट पर जो अप्लाई करना है, कमीशन जो निकालना है, वो निकालना है खुद कमीशन माइनस करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें यहाँ पे प्रॉफिट एग्जांपल लिया था, यही एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि जो प्रॉफिट था आपका 1 लाख रुपीज का, इसमें से हमें ये वाला एक्सपेंस, ये वाला एक्सपेंस और साथ में ये वाला एक्सपेंस भी माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये कमीशन का ये 5% अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए कि ठीक है, ये 1 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से सैलरी हम माइनस कर लेंगे 20,000 रुपये, और उसके बाद ये 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी माइनस कर लेंगे, और बात आती है ये कमीशन माइनस करने की। तो अब जैसे वहां लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, मतलब कमीशन माइनस करने के बाद, तो अब यहाँ पे कमीशन हम कैसे माइनस करें, क्योंकि कमीशन तो अभी तक हमने निकाली नहीं है, तो कमीशन कैसे माइनस करें। तो उसके लिए ये बात ध्यान में रखते हुए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये जो भी करना है, पहले आपको ये दोनों चीज़ें माइनस करना है, तो आप 1 लाख में से ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50,000 रुपीज़। अब ये जो 50,000 आया, इसमें अपन को क्या करना है, ये जो 50,000 है इसमें 5% जैसे लिखा हुआ है कमीशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 100 अपॉन में आएगा 100+5। ये इसलिए किया हमने 100+5 ताकि यहाँ पे जो कमीशन आफ्टर चार्जिंग लिखी हुई है उधर पे, यानी कि कमीशन माइनस करने के बाद, और हमने यहाँ पे कमीशन अभी इसमें से माइनस नहीं करी थी, इसलिए इसका हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50,000 × 5/105। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो कमीशन की वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसके दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग वाली कंडीशन है तो आपका जो कमीशन का फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल सा होगा, जिस पे भी अमाउंट बोला गया, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है
प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट का मतलब जो भी परसेंट, जितना भी परसेंट बोला गया है, और अपॉन में 100। तो ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन पे, और जब बात होगी आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे, तब आपका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट, और अपॉन में आएगा 100 प्लस रेट, जैसे हमने इस कंडीशन में किया था। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखा जिससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करा रेट से, यानी कि 5% रेट था, और अपॉन में करा था 100 प्लस 5, यानी कि 100 प्लस रेट। यहाँ पे 10 होता तो हम नीचे करते 100 प्लस 10। आई होप आपको ये कमीशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।